नमस्ते दोस्तों, आज से एजुकेशन हब की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा हिंदी का टॉपिक है संज्ञा। कि संज्ञा कहते किसको है, ये कितने प्रकार की होती है। संज्ञा की परिभाषा, वैसे संज्ञा का अर्थ होता है किसी का नाम। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, जाति सबके नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। तो इसकी परिभाषा देखिए, किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम या कोई स्थान, आदि, इनको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और जो संज्ञा होती है वो तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? संज्ञा के तीन भेद होते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। फर्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, उसके विशेष का बोध कराती है, ना कि किसी सामान्य का। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो विशेष का बोध कराती है, सामान्य का बोध नहीं कराती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी स्थान का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी शहर का नाम, दिशाओं के नाम, इन सब के आगे कौन सी संज्ञा होती है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जिस संज्ञा शब्द में, इसकी परिभाषा है, जिस संज्ञा शब्द में किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है, उन संज्ञाओं को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो गया जैसे मोहन, जैसे किसी स्थान का नाम हो गया जयपुर, किसी देश का नाम हो गया भारत, किसी पहाड़, पर्वत, नदी, दिशा, इन सब के नाम के आगे जो जितने भी नाम होते हैं उनमें कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। हम थोड़ा सा समझ लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन। जिस संज्ञा शब्द में, जिस संज्ञा शब्द में एक ही व्यक्ति, एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे मैंने आपको यहाँ पे उदाहरण दे दिए हैं। और जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो विशेष का बोध करवाती है, सामान्य का बोध नहीं करवाती है। पहाड़ों के नाम हो, पर्वतों के नाम हो, नदियों के नाम, दिशाओं के नाम, शहर के नाम और देशों के नाम, जितने भी नाम होते हैं वो सभी में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा, जैसे पुस्तकों के नाम होते हैं रामायण, महाभारत, ये सब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जो जातिवाचक संज्ञा है ये किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, उसकी संपूर्ण जाति का बोध करवाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे किसी भी पशु है, उससे जैसे गाय है, गाय उसमें संपूर्ण जाति हो गई गाय की,
किसी भी पक्षी का नाम ले लो, जैसे मोर है, वो संपूर्ण होगी, बालक संपूर्ण, जो भी संपूर्ण जाति का, जिन शब्दों के द्वारा उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसमें कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। जिस संज्ञा शब्द के द्वारा किसी जाति के संपूर्ण जाति का बोध होता है, बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा देते हैं। जो जातिवाचक संज्ञा है वो समूहों के लिए भी जातिवाचक संज्ञा है, जैसे भीड़ भाड़ वाली स्थानों की जगह होती है, कोई भी स्थान ऐसा हो जहाँ पे भीड़ भाड़ हो, कोई समूह हो, जैसे परिवार है, परिवार समूह है, उसमें सभी लोग रहते हैं, जैसे विद्यालय, विद्यालय में असंख्य बच्चे पढ़ते हैं, तो ऐसे समूहों की जो भीड़ वाले स्थानों के जो नाम होते हैं उनके आगे भी जातिवाचक संज्ञा का ही उपयोग होता है। जैसे गाय, बालक, पुस्तक, मेज, गांव। अब ये जितने, जैसे गाय, गाय भी एक गाय के लिए तो हम उसको उपयोग करेंगे, इस गाय की संपूर्ण जाति उसमें आ गई। बालक, बालक जितने भी बालक हों, बालकों की संपूर्ण जाति आ गई, तो इसमें कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। पुस्तक, पुस्तक में भी सभी प्रकार की पुस्तकें आ गई। अगर हाँ पुस्तक की जगह पुस्तक का नाम होता, किसी भी पुस्तक का नाम होता, जैसे कि रामायण, महाभारत, बाइबिल, पुराण, उसमें अगर पुस्तक का नाम होता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अगर इसमें केवल पुस्तक है तो ये जातिवाचक संज्ञा है। मेज, गांव, अगर गांव का नाम होता, किसी शहर का नाम होता, तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का उपयोग होता है। और जो गांव में, जैसे गांव है तो गांव में तो सभी गांव आ गए, शहर का अगर ओनली शहर लिखा हुआ हो तो भी वो कौन सी संज्ञा में आते हैं? जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा।